पीछे हो जाओ ना भाई, सबको आने कर रहे हैं भाई। देखो आप चलिए, आज हम लोग फिल्म टाइगर जिंदा है की शूटिंग कर रहे हैं और इस फिल्म के जो है डायरेक्टर हमारे रवि जी, और रवि जी के साथ मैंने काफ़ी फिल्में की है और ये भी फिल्म कर रहा हूँ। बहुत अच्छा लगता है रवि जी के साथ काम करके, क्योंकि रवि जी का जो नेचर है, जो बिहेवियर है, बिल्कुल मतलब एक फ्रेंड की तरह। एज में तो हमारे पिता के समान है, लेकिन जो उनका हमारा जो रिश्ता है, एक दोस्त, एक पिता, सब कुछ। हम लोग बहुत सेट पे मस्ती करते हैं, एंजॉय करते हैं, और उनकी हमेशा कोशिश रहती है कि जब भी फिल्म करते हैं मुझे याद करते हैं। और अभी उनके लिए हमेशा ड्यूटी और डेडिकेट रहता हूँ कि उनके लिए हमेशा मैं टाइम निकालता हूँ। और आज मैं जो है कल से शूटिंग कर रहा हूँ, मैं कल 7 बजे से घर से निकला हूँ और मैं वहाँ पे 9 बजे तक शूटिंग किया, फिर 9 बजे से रात से लेकर सुबह तक शूटिंग किया, फिर सुबह से फिर मैं यहाँ पे चला है, तो मैं कंटिन्यू जो है शूटिंग कर रहा हूँ। रवि जी की ठीक है भैया, आज नहीं आ पाओगे तो शूटिंग का जो है सेटअप मुझे थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, तो मैंने कहा अच्छा लगता है और काम करने के लिए आए हैं, और यही है हमारी ज़िंदगी। और कोशिश यही रहती है कि अच्छा काम करें, हमेशा इतना काम करने के बावजूद भी एक मन में डर रहता है अपने आप से, एक दूसरे से हम क्या कंपटीशन करें, हमें खुद से कंपटीशन रहता है कि मतलब एक काम के बाद दूसरा काम करना है। अगर हम काम अच्छा करेंगे तभी हम इस फील्ड में बने रहेंगे। हम लोग की परीक्षा डेली होती है, हर फिल्म में एक नया एग्ज़ाम होता है। बाकी ऐसा फील्ड है कि आपने एग्ज़ाम दिया, आप जो है परीक्षा में पास हो गए, आपको जॉब मिल गया, आप उस पर बैठ गए एक उम्र तक जब तक आप रिटायर नहीं होते। लेकिन हम लोग का ऐसा एक जॉब है ये कि हर फिल्म में कंपटीशन, हर फिल्म में एग्ज़ाम है, हर फिल्म में मुझे बेहतर करना है, तभी हमें एक के बाद दूसरी दूसरी और तीसरी फिल्में मिलती है। बहुत टफ जॉब है अपना, और बस आज जो भी हूँ आप लोगों के आशीर्वाद से हूँ, दुआ से हूँ, और ये फिल्म बहुत अच्छी बन रही है। अभी इस फिल्म के जो गाने जो है हम लोग दुबई में शूट हुई, अभी मुंबई में शूट होगी, अभी सिलवासा में शूट होगी। और रवि जी की जहाँ तक बात है, बहुत अच्छी और बड़ी बड़ी फिल्में बनाते हैं, और एक नई खासियत में उनमें देखा कि पहले तो वो बड़ी मतलब बड़े स्टारों को लेके और बड़ी लेविश फिल्में बनाते थे, अभी उनके अंदर मुझे एक चीज़ ये आई कि वो अभी इन 2 सालों से वो नए स्टारों को लेकर प्रमोट कर रहे हैं। कि वो भी इससे पहले मुन्ना मवाली आई थी एक प्रमोद प्रेमी जी को लेके, और वो फिल्म काफ़ी अच्छी चली बिहार में और यूपी में, हर जगह फिल्म काफ़ी अच्छी चली। और अभी मनमोहन जो है इस फिल्म के जो है एक्टर है, डेब्यू फिल्म है उनकी ये। क्या क्वालिटीज देखते हैं मनमोहन जी? ये देखिए क्या है कि कोई रातों रात स्टार नहीं बनता, कोई भी जो है आज अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान या हमारे अजय देवगन, जिनको हमें एक्टिंग के लीजेंड मानते हैं, सबने सीखा है और सबने एक वन स्टेप बाई स्टेप स्टेप प्रोग्रेस किया है। तो मनमोहन में खूबियाँ हैं, बहुत सारी क्वालिटियाँ हैं, और एक्टिंग भी कर रहा है और अच्छा करने का स्कोप दिख रहा है। और दूसरी बात कि जो आदमी मेहनत करता है और सीखने की ललक होती है तो वो आदमी आगे बढ़ता है। हम भी जब आए थे 0 आए थे, हम तो कुछ सीख के नहीं आए थे, लेकिन हम करते करते सीख गए। तो इसके में वो खूबियाँ हैं मनमोहन में, और खूबियों के अलावा जो आदमी में सीखने की ललक होती है तो वो आदमी ज़रूर आगे बढ़ता है, और इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि वो आगे बढ़े। जी बहुत सारी फिल्में हैं अभी, मैं तो देख ही नहीं हूँ, टाइगर जिंदा आ रही है, जो है आ रही है, बाज आ रही है, अभी एक जो फिल्म आ रही है अभी।